हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से, क्योंकि आज जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ जिस बात के बारे में, वो है जॉर्जिया के बारे में, कि आप जॉर्जिया में आप कैसे जा सकते हो और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सभी दोस्तों, सभी को पता ही होगा कि जॉर्जिया अभी जो है कि यूरोप में आ चुका है, यूरोप का कैंडिडेट बना है, बट अभी शेंगन में नहीं आया जॉर्जिया। बट अगर आप वहाँ पे, जैसे कि आप कपल हो, अगर आप वहाँ पे चले जाते हो जॉर्जिया में विजिट वीजे पे भी, तो वहाँ पे जाके आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो। आपको वर्क परमिट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे अगर आप असाइलम अप्लाई कर देते हो, तो असाइलम में आपको वहाँ पे एक कार्ड दे दिया जाएगा जो कि एक साल तक वैलिड होगा, और आप हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पे काम कर सकते हो जॉर्जिया में। और कम से कम भी आप लगा के चलो कि इंडिया के आप पर पर्सन अगर आप 50,000 भी कमाते हो, तो 1,00,000 रुपये तक की आपकी इनकम हो सकती है वहाँ पे जॉर्जिया में। और दोस्तों, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप असाइलम पे जॉर्जिया में हो, अगर आप वहाँ पे बेबी बोर्न हो जाता है, अगर आप बच्चा प्लान करते हो वहाँ पे, तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अगर आप असाइलम पे हो तो बेबी को वहीं का रेड पासपोर्ट जो है वहीं का मिलता है। तो इसलिए अगर आप असाइलम पे वहाँ पे हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसके बेस पे आप असाइलम के बेस पे आप अगर जॉर्जिया में हो, तो आप अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे बेबी हो जाता है, तो उसके बेस पे आप वहाँ पे आप अपनी असाइलम के बेस पे आप अपना पीआर भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे लीगल तरीके से असाइलम पे भी अगर आप 2 या 3 साल वहाँ पे रहते हो, तो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। आप पीआर तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ का जो पासपोर्ट का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। जैसे कि पुर्तगाल और अदर जो शेंगन कंट्री है, उनमें जैसे पासपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसे ही सेम जॉर्जिया में है, तो वहाँ पे भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट आपको इजीली वहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। अगर आप किसी शेंगन कंट्री या किसी यूरोपियन कंट्री में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो आपको पता ही है कि अगर आप कपल वहाँ पे जाना चाह रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है इंडिया के हिसाब से आ जाता है। तो अगर आप, जॉर्जिया एक बेस्ट कंट्री है जल्दी पीआर होने के लिए, और सेम बेनिफिट जो पुर्तगाल में आपको मिलते हैं, वही आपको जॉर्जिया में मिलेंगे। और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको थोड़ी बहुत ही हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप वहाँ पे जैसे कि रेंट वगैरह, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पे करेगी। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका सिर्फ खाने का खर्च होएगा। तो अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हो, तो अगर आप खुद जाना चाहते हो, तो खुद से भी जा सकते हो। अगर आपको हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम भी आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है जॉर्जिया में। सारा काम हम आपको करवा के देंगे, असाइलम का भी सब चीज़ हम करवा के देंगे जॉर्जिया में, और आपका काम वगैरह का भी। तो दोस्तों, अगर और कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का व्यू बहुत प्यारा है, और चैनल को दोस्तों लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और जितने हो सके आगे शेयर करा करो, क्योंकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ हर कंट्री के बारे में। किसी भी कंट्री का अगर आप असाइलम का, वर्क परमिट, स्टडी और टूरिस्ट, कुछ भी आप अगर जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्री है, जैसे कि अगर ये जॉर्जिया है, तो अच्छी कंट्री है।
और इसके इसमें आपको जल्दी पीआर भी मिल सकती है और आपको बहुत बेस्ट है अगर आप कपल जाते हो तो। अगर आप सिंगल जाते हो तो उस बेस पे मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि आपको इतनी जल्दी पीआर दे देंगे, बट जो कपल है अगर आप कपल वहाँ पे चले जाते हो तो आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। हस्बैंड वाइफ अगर वहाँ पे जाते हैं तो, अगर आपने किसी अच्छी कंट्री में यूरोपियन कंट्री में सेटल होना है तो ये बहुत बड़ी अच्छी सिस्टम है वहाँ पे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।